गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल हमने पिक किया है दैट इज बेस्ड ऑन द एजीआर केस। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है एजीआर केस जो टेलीकॉम कंपनीज का चल रहा था, तो ये आर्टिकल उस पर बेस्ड होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिकल्ट वर्ड से। पहला डिफिकल्ट वर्ड है डेट लेडन। डेट लेडन का मतलब जो है वो होता है कर्जे में, जब आप बहुत ज़्यादा कर्जा हो तो उसे बोला जाता है कि पर्सन डेट लेडन है, राइट? इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, डेट से आप याद रख सकते हो। डेट का मतलब होता है कर्जा होना और लेडन का मतलब होता है पूरी तरह से घिरे होना, राइट? सो डेट लेडन क्या हो जाएगा? हैविंग लार्ज डेट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्ज में होना। रीकॉन्फिगर, रीकॉन्फिगर वर्ड हमने पहले भी किया हुआ है। री का मतलब होता है दोबारा, कॉन्फिगर का मतलब होता है बनाना या ऑर्गेनाइज करना। सो रीकॉन्फिगर करने का मतलब होता है दोबारा से ऑर्गेनाइज, यानी कि रीऑर्गेनाइज करना। स्टेम, स्टेम एक तो हो गया वो जो पेड़, जो एक प्लांट की स्टेम होती है, राइट? लेकिन स्टेम एज अ वर्ब, एज अ क्रिया अगर मैं बात करती हूँ, एज एन एक्शन वर्ड अगर मैं बात करती हूँ, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के स्प्रेड को या किसी भी चीज़ को फैलने से रोकना, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम स्प्रेडिंग। नेक्स्ट इज रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वर्ड भी रिपीट हो रहा है, वी हैव डन दिस अर्लियर, और इसका मतलब होता है कठोर, यानी कि हार्श, ठीक है? रिलेंटलेस स्टेप्स कई बार फ्रेज आपने सुना होगा। सो रिलेंटलेस स्टेप्स का मतलब क्या होता है? कठोर कदम जो उठाने पड़ते हैं, राइट? आगे चलते हैं। गार्नर, गार्नर करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है? इकट्ठे करने को बोलते हैं गार्नर, जिसको हम कह सकते हैं गैदर ऑल्सो, ठीक है? लिंचपिन, लिंचपिन बोला जाता है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, एंटरप्राइज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो या कोई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वाइटल का मतलब होता है ज़रूरी, यानी कि इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति या सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है उसे बोलते हैं कि वो लिंचपिन है, फाइन? देन ब्रश असाइड करना। ब्रश असाइड करने का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना किसी के ओपिनियन को, किसी के व्यू को, किसी के नज़रिए को। जब आप इग्नोर कर देते हो, नज़रअंदाज कर देते हो, तो इसका मतलब है आपने उसे ब्रश असाइड कर दिया है। नेक्स्ट कम्स अ वर्ड होराइजन। वैसे तो होराइजन किसे बोला जाता है? इट्स एन इमेजिनरी लाइन जहाँ पे जब आप सनसेट देखते हो, है ना, तो एक इमेजिनरी लाइन जहाँ पे स्काई एंड अर्थ मिलती लगती है, वो होराइजन होता है। लेकिन इसे हम एक लिमिट के सेंस में, सीमा के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इंसान का जो व्यू, मेंटल परसेप्शन, यानी जितना वो सोच सकता है, जिसका व्यू है, नज़रिया है, एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है, उसकी सीमा, उसकी लिमिट, तो उस हद को, लिमिट को हम होराइजन कह देते हैं, फाइन? आगे चलते हैं। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी शब्द जो है ये बना है इनॉर्मस से, ठीक है? इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही विशाल। ओ यू एस से तो वैसे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, बाकी सेम है। देखो ई एन ओ आर एम दोनों में सेम है, ओ यू एस होने की वजह से बस ये एडजेक्टिव हो गया। तो कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, एक्सट्रीम स्केल पे है, तो उसको हम बोलते हैं कि इनॉर्मिटी है उसमें, फाइन? डिसरप्टिव वर्ड अगेन रेपिटेशन है, डिसरप्टिव हम पहले भी कर चुके हैं, कोई भी डिसऑर्डर होना, ठीक है, नॉर्मल से जो चीज़ हट जाए, ऑर्डर बदल जाए, खराब हो जाए ऑर्डर, तो डिसरप्ट हो जाती है, राइट? थ्रैश करना, ठीक है, थ्रैश करने का मतलब होता है मारना, किसी को बीट करना, स्पेशली बार बार, रिपीटेडली और वायलेंटली, स्पेशली एक स्टिक से। तो आप जब पीट रहे हो, ठीक है, डंडे से पिटाई हो रही है अगर किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, तो वो थ्रैश हो गया, ठीक है? इनसॉल्वेंट होना, इनसॉल्वेंसी बनती है इनसॉल्वेंट से। इनसॉल्वेंट होता है जब कोई भी इंसान अपना जो भी उसको पैसा ओ कर रहा है, जब वो उस पैसे को जब वो रीपे नहीं कर सकता, ठीक है, आपने कहीं किसी से पैसा उठाया लेकिन आप उस पैसे को वापस नहीं लौटा पा रहे हो, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन।
नेक्स्ट स्टेक, स्टेक एट वर्ड के साथ, एट प्रपोजिशन के साथ ही ज्यादातर यूज होता है, एट स्टेक बोलते हैं। सो एट स्टेक होने का मतलब होता है दाव पे लगा होना, ठीक है, एक रिस्क पे होना, दाव पे लगा होना, बाजी लगा होना, ठीक है। कॉग्निजेंस, ये वर्ड मैंने पहले भी बताया था आपको जब मैंने सीओजी के बारे में बात की थी, कि सीओजी वाले वर्ड यूजुअली हमारे सोच से रिलेटेड होते हैं, माइंड से रिलेटेड होते हैं। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है हमारी नॉलेज, हमारी जानकारी, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर। फ्रॉट, फ्रॉट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बेचैन, व्याकुल होना, एंग्शियस होना जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अ वर्ड ट्रिगर्ड, ट्रिगर करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, जब आप एक एक तरह से कह सकते हैं पॉइंट आ जाना, जब आप कोई भी चीज़ जो है इनिशिएट कर देते हो, ठीक है, कोई चीज़ जो आपसे एक रिएक्शन क्रिएट करवाए, आपसे कुछ इनिशिएट करवाए, उसे बोलते हैं कि ट्रिगर किया गया है, फाइन। अनवायबली, अनवायबली अगेन आप देखो इसमें यू एन लगा है और साथ ही साथ एल वाई लगा है, ठीक है। यू एन मतलब नेगेटिव है, कोई भी चीज़ ना होना, और एल वाई लगा है यानी ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। सो अनवायबली का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसमें हमें कोई वायबिलिटी नहीं, कोई हमारे को फ़ायदा नहीं है। सो कोई भी चीज़ जो सक्सीड करने के या सक्सेसफुल होने के केपेबल नहीं है, फ़ायदा प्रॉफिट देने के लायक नहीं है। क्यूरेटिव वर्ड जो है ये बना है क्योर से, क्योर होता है उपचार। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उपचार करने की प्रॉपर्टी है, उपचार करने के लायक है, तो वो क्यूरेटिव होती है। कोई भी हील करने वाली चीज़, उपचारात्मक जिसे हम कह सकते हैं। फिर आता है वर्ड सीमलेसली, ठीक है। सीमलेस होने का मतलब होता है, मैंने ये पहले भी शब्द बताया हुआ है कि सीम किसको बोलते हैं, सिलाई को, ठीक है, एक स्टिच को बोलते हैं। तो सीमलेस होने का मतलब है जिसमें कोई जोड़ पता ही ना चले कि कहाँ से सिलाई हुई है, कहाँ से नहीं, तो यानी कि उसे बोलेंगे कि स्मूथ है वो चीज़, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस है, बहुत स्मूथली फंक्शन कर रहा है, कंटिन्यूस है, तो उसको बोलेंगे कि सीमलेस है, फाइन। प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब होता है एक्सेस, ठीक है। कोई भी चीज़ जो बहुत सारी मात्रा में है, तो आप बोलते हो कि प्लेथोरा ऑफ दिस थिंग है, ऑफ बहुत यूज होता है प्लेथोरा के साथ, फाइन। आगे चलते हैं हिंज, हिंज का एक्चुअल मतलब जो होता है वो होता है जब आप किसी भी चीज़ को अटैच कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो जब आप जोड़ देंगे तो वो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए। तो हिंज होना मतलब अटैच होना। मोनेटाइज वर्ड जो है ये मनी से बना है, मनी क्या होता है, पैसा। तो किसी भी चीज़ से जब आप रिवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो यानी आप उस चीज़ को मोनेटाइज कर रहे हो। फिर आता है वर्ड इम्यूटेबल, म्यूट, एम यू टी जो है ना, एम यू टी वर्ड जो होता है ये आपने ध्यान रखना है, चेंज, परिवर्तन से रिलेटेड है। तो इम्यूटेबल का मतलब हो जाएगा जिस चीज को, एबल है मतलब एडजेक्टिव है, इम मतलब ऑपोजिट हो गया। तो कोई भी चीज जो चेंज नहीं हो सकती, अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल है, उसे हम बोलेंगे कि इम्यूटेबल है। तो ये कुछ वर्ड्स थे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल, हेडिंग है पार्शियल रिलीफ ऑन एजीआर ड्यूज। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले आइडिया देना चाहूँगी। आपको पता है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें अपना एजीआर, जो उनका जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, वो सेटल करना पड़ेगा, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब उसकी पेमेंट के लिए जो टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो 10 साल का टाइम दे दिया गया है, फाइन। जिसमें से तकरीबन 10% जो ड्यूज हैं, 10% उसका 10% जो है वो उन्हें मार्च 31, 2021 तक देना होगा, फाइन। तो ये जो वर्डिक्ट आया है, इसके काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस रहे हैं, और एक तरह से जैसे कि राइटर बता रहे हैं, तो राइटर के लिए के अनुसार ये जो है ये पार्शियल रिलीफ देगा, एक तरह से रिलीफ है, पार्शली कुछ हद तक ये रिलीफ हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं राइटर के क्या व्यूज हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिस वीक टू अलाउ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स 10 इयर्स टाइम टू सेटल देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज टू द गवर्नमेंट कम्स एज अ पार्शियल रिलीफ टू द डेट लेडन इंडस्ट्री। डेट लेडन क्यों बोला गया है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इस पे काफी कर्जा आया हुआ है,
तो ये जो डेट लेडन इंडस्ट्री है इस पे ये एक इसके लिए ये एक पार्शियल रिलीफ है, ये कुछ हद तक एक यू कैन से रिलीफ है क्या ये डिसीजन, जिसमें कि उन्हें टाइम दिया गया है 10 सालों का रीपे करने का अपना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। दिस विल गिव द ओल्डर प्रोवाइडर्स स्पेशली वोडाफोन आइडिया द क्रूशियल ब्रीदिंग स्पेस टू फिगर आउट हाउ दे कैन रीकन्फिगर देयर बिजनेस प्लान्स टू स्टेम द रिलेंटलेस फ्लो ऑफ ऑपरेशनल लॉसेस एंड गार्नर द रिसोर्सेज टू मेक साइजेबल एनुअल पेमेंट्स टू दी सेंटर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि काफ़ी पुराने प्रोवाइडर्स अगर हम देखते हैं, स्पेशली यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की, कि इन्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है, एक राहत मिल गई है, जिसमें कि ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस प्लान को रीकन्फिगर कर सकते हैं, दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से इनका जो ये लॉसेस पे चल रहे हैं ऑपरेशन, ठीक है, इन ये रिलेंटलेस फ्लो जो चल रहा है इनका, ठीक है, कंटिन्यूसली जो लॉसेस पे जा रहे हैं ऑपरेशन, किस तरह से इसे रोका जा सकता है और किस तरह से ये जो रिसोर्सेज हैं इनके, इन्हें ये इकट्ठा करके इस तरह से प्लान करें कि जो इतने साइजेबल एनुअल पेमेंट्स देनी है, ठीक है, पूरे अगले दशक तक, नेक्स्ट डिकेड तक, वो किस तरह से पेमेंट्स दी जाए, इस बारे में ये जो प्रोवाइडर्स हैं ये प्लान रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। हाउएवर इन सेटिंग अ टाइम फ्रेम द कोर्ट विच एक्नॉलेज द ट्रबल लैंडस्केप फेसिंग द लिंचपिन इंडस्ट्री सीम टू ब्रश असाइड बोथ द कंपनीज रिक्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर होराइजन एज वेल एज द सेंटर्स वेल डेलिब्रेटेड रिकमेंडेशन फॉर अ 20 ईयर रीपेमेंट पीरियड मियरली टर्मिंग इट एज एक्सेसिव। जब कोर्ट ने ये टाइम फ्रेम सेट किया 10 सालों का कि 10 साल में आपको पेमेंट्स जो है वो करनी पड़ेगी, तो उन्होंने अक्नॉलेज ज़रूर किया, उन्होंने ये इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो लिंचपिन इंडस्ट्री है, ये जो एक मेजर यू कैन से एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जो है ये टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की, ये ट्रबल्ड लैंडस्केप में ज़रूर है, ठीक है, इसमें काफ़ी यू कैन से अगर आप सिनेरियो देखते हो वो काफ़ी ट्रबल्ड है, लेकिन उन्होंने ब्रश असाइड किया है कंपनीज की रिक्वेस्ट को। कंपनीज जो चाह रही थी वो दरअसल ये चाह रही थी कि उनको एक ज़्यादा लंबी सीमा मिले, एक लिमिट मिल जाए ज़्यादा लंबी जिसमें कि वो रीपेमेंट कर सकें, तो उन्हों ये चीज़ को ब्रश असाइड किया गया है, इसको नज़रअंदाज किया गया है, और इसी के साथ साथ जो सेंटर है उन्होंने भी काफ़ी सोच कर एक रिकमेंडेशन दी थी 20 ईयर्स के पीरियड की, कि 20 ईयर्स का एक रीपेमेंट का इनको समय दे दिया जाए, लेकिन ये दोनों ही बातें जो हैं इसको ब्रश असाइड किया गया था और ये एक्सेसिव माना गया था कि इतना समय जो है ये ज़्यादा होगा। द गवर्नमेंट हैविंग रियलाइज द एनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंटली डिसरप्टिव कॉन्सिक्वेंसेस टू नॉट जस्ट द इंडस्ट्री बट द लार्जर इकोनॉमी एज अ होल had thrashed out the matter at various levels, including within the cabinet, before submitting its view. तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना व्यू सबमिट करने से पहले, अपना जो उनका पॉइंट था वो सबमिट करने से पहले इस मामले को काफ़ी लेवल्स पे थ्रैश किया, इसको काफ़ी ज़्यादा यू कैन से स्ट्रिक्ट तरीके से लिया है स्पेशली कैबिनेट के अंदर, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया था कि जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे है, इनॉर्मिटी है इस प्रॉब्लम की एंड इसमें पोटेंशियल है एक डिसरप्टिव कॉन्सिक्वेंस का, ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी मेजर इंडस्ट्री है, तो अगर ये प्रॉब्लम को डील ना किया जाए तो ये काफ़ी डिसरप्टिव, काफ़ी यू कैन से एक इसमें एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए नहीं लेकिन अगर हम इकोनॉमी को एज अ होल देखें तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकती थी, ये पोटेंशियल था इस सिचुएशन में। Without naming any company, the center had made clear that were the AGR dues to be sought at one go, it could well push a service provider into insolvency proceedings. तो बिना किसी कंपनी का नाम लिए हुए सेंटर ने ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर एक ही गो में, एट वन गो मतलब कि एक ही बार पूरा का पूरा AGR ड्यू अगर पे करना पड़ जाएगा तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंसॉल्वेंसी में जा सकता है, ठीक है, वो यू कैन से कि अनेबल हो जाएगा इतना ज़्यादा जो बकाया पैसा है वो लौटाने का।
सच अ टर्न कुड पोटेंशियल इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, और ये जो चीज़ होती, ये मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो यूजर्स हैं इन प्रोवाइडर्स के, उनको इफेक्ट कर सकती है। विद द सर्वाइविंग ऑपरेटर्स फाइंडिंग द कैपेसिटी स्ट्रेच्ड टू हैंडल अ सडन सर्ज ऑफ मोबाइल पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट वाइल साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। और अगर ऐसा हो जाता, अगर एक ही गो में एजिया ड्यूज देने पड़ते, तो वो जो प्रोवाइडर है वो इंसॉल्वेंसी में जा सकता था, वो अनेबल हो जाता, ठीक है, कि वो अपने ड्यूज पे करे। और इस सिचुएशन में सब्सक्राइबर्स को प्रॉब्लम आती तो मोबाइल पोर्टेबिलिटी में ज़रूर जाते वो। मोबाइल पोर्टेबिलिटी में अगर वो अपना स्विच करते प्रोवाइडर, तो जो सर्वाइविंग ऑपरेटर्स रह जाते, ठीक है, जो ऑपरेटर्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाते इस चीज़ को, उनको भी इतना सडन सर्ज जो है, इतना सडन राइज जो है पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट का, उसे हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता, और साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसको मेंटेन करना भी मुश्किल रहता। द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA हैड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स पोजिशन इन सीकिंग अ जुडिशियस एंड नॉन डिसरप्टिव आउटकम। तो जो IBA है वो भी यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक जुडिशियस और न्यायपूर्ण और नॉन डिसरप्टिव आउटकम होना चाहिए, ठीक है, कोई जिससे कि डिसऑर्डर ना आए। द IBA रिप्रेजेंटेड द वेरियस लेंडर्स। अब इस IBA में कौन कौन थे? जितने भी मेजर लेंडर्स थे, जो पैसे जिन्होंने दिए थे, ठीक है, हु हैव मच एट स्टेक, ऑब्वियसली पैसा तो उन्होंने दिया है, तो इस इंडस्ट्री का जो डेट है, ठीक है, जो भी कर्ज है उसमें इनका काफ़ी स्टेक हाई था, रिस्क फैक्टर इनका काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट विच इज़ अंडर रेजोल्यूशन एज पार्ट ऑफ द इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, प्रोसेस अमाउंट्स टू ओवर 4 लाख करोड़। तो ये जो मनी है, जिस पैसे की बात हो रही है, ठीक है, जो डेट है, सो ये तकरीबन तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपीज तक जा रहा है, ठीक है। द कोर्ट इन इट्स ऑर्डर डिड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मल्टीपल थ्रेट्स टू द इंडस्ट्रीज वेलबींग, द डिप्रेस्ड लेवल्स ऑफ एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, फ्रॉट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप वेयर अ न्यू एंट्रेंस टैरिफ हैड ट्रिगर्ड अ प्राइस वॉर हर्टिंग रिवेन्यूज, अ सर्ज इन डेटा यूजेज इवन एज द प्राइस ऑफ सच डेटा प्लान रिमेन्ड ऑलमोस्ट अवायबली लो, एंड एन ओवरऑल डिमिनिशिंग एबिलिटी टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन कैपिटल स्पेंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द अपकमिंग अडॉप्शन ऑफ 5G नेटवर्क। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे राइटर बता रहे हैं कि कोर्ट ने ये डिसीजन देते वक्त काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल थ्रेट्स जो हैं, जो खतरा है, मल्टीपल खतरा जो है इस इंडस्ट्री को, उसके बारे में भी काफ़ी उन्होंने कंसिडर किया है। और यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि क्या क्या खतरा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो सकते हैं। पहला, एक डिप्रेस लेवल ऑफ एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र। अगर हम पर यूज़र देखें तो प्रत्येक यूज़र से जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका लेवल डिप्रेस यानी कम हो चुका है। इसके अलावा एक न्यू एंट्रेंट के आने से, न्यू एंट्रेंट जो इस मार्केट में जो आया टेलीकॉम की, उसकी उसके जो टैरिफ्स थे, उन्होंने जो प्राइस रखा, उसकी वजह से एक प्राइस वॉर कहीं ना कहीं शुरू हो गया, जिसने कंपटीशन को बढ़ा दिया, ठीक है। ऑब्वियसली जब एक कोई न्यू एंट्रेंट आ रहा है और प्राइसेस जो हैं वो इस तरह से रख दिए जाएं जिससे कंपटीशन बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यूज वगैरह को भी इफेक्ट करने लग गया था। इसके अलावा सर्ज इन डेटा यूसेज, प्राइस जो है वो प्लान्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लो रहे, लेकिन डेटा यूसेज जो है, जो खपत थी डेटा की, वो बढ़ गई। इसके अलावा डिमिनिशिंग एबिलिटी, जो एबिलिटी थी इन्वेस्टमेंट की, वो डिमिनिश होने लग गई, वो कम होने लग गई। कैपिटल स्पेंडिंग जो है, ठीक है, जो जितना भी कैपिटल क्रिएट करना था, उस कैपिटल को में इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो कम हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, जो भी अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना है, स्पेशली अगर 5G नेटवर्क्स की बात करें, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो गई। तो यहाँ पे इस पॉइंट में राइटर ने क्या बताया, बेसिकली जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते थे ये इंडस्ट्री को। While the companies themselves are yet to decide on whether to seek a curative review of the latest verdict,
द फ्यूचर ऑफ इंडियाज एम्बिशियस ड्रीम्स ऑफ इनेबलिंग अ पैन इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम दैट सीमलेसली कनेक्ट्स द रिमोटेस्ट रूरल इनहैबिटेंट विद अ प्लेथोरा ऑफ ई इनेबल्ड सर्विसेज हिंज ऑन इंश्योरिंग द इंडस्ट्री स्टेज हेल्दी एंड वाइब्रेंट। तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि कंपनीज जो हैं उन्हें अभी खुद ये डिसाइड करना है कि क्या वो क्यूरेटिव रिव्यू लेना चाहेंगे इस वर्डिक्ट का, क्या वो इसको इसका कोई एक रिव्यू, एक सेकंड ओपिनियन चाहेंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ राइटर ये बात कर रहे हैं कि जो फ्यूचर है इंडिया का, एक एम्बिशियस एक ड्रीम है, ठीक है, जिसमें पैन इंडिया, अगर हम देखें थ्रू आउट इंडिया, एक डिजिटल इकोसिस्टम हो जिसमें कि सबसे रिमोट, सबसे दूर एक रूरल इनहैबिटेंट भी जो है, वो रहने वाला व्यक्ति भी एक डिजिटल इकोसिस्टम का पार्ट बन सके, ठीक है, सीमलेसली, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के एक डिजिटल इकोसिस्टम बन सके जिसमें कि सारी ई इनेबल्ड सर्विसेज, इंटरनेट के द्वारा ही सारी ऑनलाइन सर्विसेज का वो फ़ायदा उठाया जा सके। तो ये जो ड्रीम है इसका फ्यूचर जो है वो इसी में डिपेंड करता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये कितनी हेल्दी और कितनी वाइब्रेंट रह सकती है, कितनी ज़्यादा एनर्जी इस इंडस्ट्री में रह सकती है, कितना प्रोग्रेस ये इंडस्ट्री कर सकती है। फॉर दैट, इसलिए द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक बियॉन्ड एजीआर इशू एंड री इमेजिन द वे इट प्राइसेस एंड सीक्स टू मोनेटाइज द प्रेशियस येट इम्यूटेबल पब्लिक एसेट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम इन फ्यूचर। इसके लिए राइटर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्हें इस एजीआर इशू के आगे सोचना पड़ेगा और री इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा अलग तरीके से इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो इस प्रेशियस और इम्यूटेबल, ये जो अनचेंजेबल जो पब्लिक एसेट है रेडियो स्पेक्ट्रम का, यानी कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का, इसको किस तरह से वो मोनेटाइज कर सकते हैं, किस तरह से इस इंडस्ट्री से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, इस बारे में एक री इमेजिन करना पड़ेगा, एक नए नज़रिए से इसको पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा या पूरे इसको एक न्यू प्लान करना पड़ेगा। तो इस पर बेस था ये आज का आर्टिकल, एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। न्यू वर्ड्स में काफ़ी वर्ड्स ऐसे भी आ जाए हैं जो रिपीट हुए हैं पिछले आर्टिकल्स में, सो उम्मीद है वो आपको याद रहे होंगे। कल हम एक और आर्टिकल स्टार्ट करेंगे एंड कुछ और न्यू वर्ड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।